हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की सामान्य ज्ञान की सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। मध्य प्रदेश का ये अगला जिला जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाया है वो है रायसेन जिला, और रायसेन जिले के ऊपर पूरा स्ट्रैटेजी के मैंने इसमें कवर किया है। पूरा विस्तारपूर्वक जानकारी मैंने इसमें पूरी देने की कोशिश की है। और आपको अगर ये वीडियो मेरा पसंद आता है तो इसको आप लाइक ज़रूर करें और शेयर करें अपने सभी ग्रुप में, फेसबुक का ग्रुप हो या फिर व्हाट्सअप का ग्रुप, सभी में आप इसको शेयर कर सकते हैं। और पसंद आता है इसको लाइक ज़रूर कीजिए। और इससे पहले भी मैंने मध्य प्रदेश के सभी ज़िलों के ऊपर वीडियो बनाने की पूरी पूरी कोशिश की है और सभी पर मैंने स्टैटिक जीके कवर किया है। उन सभी ज़िले का वीडियो आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। आप उस लिंक को क्लिक कर उन सभी वीडियोज़ को आप देख सकते हैं, और ज़िले बार मैंने वो सारे वीडियो बनाए हैं और पूरा स्टैटिक जीके उसमें कवर किया है। आप उनको देखकर मध्य प्रदेश के पूरे स्टैटिक जीके आप उसमें कवर कर सकते हैं। एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस बनते हैं इस पर। तो चलिए मैं मध्य प्रदेश का रायसेन ज़िला इस पर जो स्टैटिक जीके बनाया है उसका वीडियो मैं शुरू करता हूँ। रायसेन जिला, रायसेन ज़िले का जो पहला पॉइंट है वो है रायसेन ज़िले के ये दो स्थल, दो कौन कौन से स्थल जो कि विश्व विरासत की सूची में शामिल हैं, उस कारण से इस रायसेन ज़िले का जो महत्व है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाता है और पूरे विश्व में उन दोनों स्थलों की बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्धि है और बहुत ही ज़्यादा वो पॉपुलर हैं। वो कौन कौन से स्थल हैं, मानचित्र में पहले रायसेन ज़िला देख लेते हैं। रायसेन ज़िला जो भोपाल से लगा हुआ है, ये जो ज़िला है ये है मानचित्र में अपन ने दिखा रहा हूँ, ये है रायसेन ज़िला, ठीक है ना। ये भोपाल से लगा हुआ है और भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है रायसेन ज़िला। और इस रायसेन ज़िले की जो दो प्रमुख स्थल हैं वो है भीमबेटिका और सांची के स्तूप। ये सांची और भीमबेटिका ये दोनों प्रमुख स्थल हैं जो कि यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इनको रखा गया है और विश्व विरासत की सूची में ये शामिल हैं। इस कारण से रायसेन ज़िला बहुत ही ज़्यादा महत्व रखता है। अगला जो पॉइंट है वो है रायसेन ज़िला अपने ऐतिहासिक स्थलों और औद्योगिक क्षेत्र के कारण भी बहुत जाना जाता है, ठीक है ना। इसमें औद्योगिक क्षेत्र भी है। औद्योगिक क्षेत्र कौन सा है, मंडीदीप। मंडीदीप जो औद्योगिक क्षेत्र है वो रायसेन ज़िले के अंतर्गत आता है और ऐतिहासिक स्थल इसके बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एग्जाम्स में उसके क्वेश्चंस बन जाते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखें। कहीं ना कहीं पर आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा, और अगर पसंद आता है तो आप इसको लाइक ज़रूर करें। मानचित्र में जैसे मैं बता चुका हूँ रायसेन ज़िला, ये रायसेन ज़िला है और काफ़ी बड़ा ज़िला है ये। आगे चलते हैं रायसेन ज़िले को। अब अलग अलग फैक्ट जो मैंने कवर किए हैं उसको देखते हैं। रायसेन ज़िले का जो मुख्यालय है वो रायसेन ज़िले में ही स्थित है। अगला पॉइंट है संभाग। भोपाल संभाग के अंतर्गत आता है रायसेन, और भोपाल संभाग के अंतर्गत पांच ज़िले आते हैं। कौन कौन से ज़िले आते हैं, भोपाल, रायसेन, सीहोर, विदिशा और राजगढ़। ये पांच ज़िले हैं जो भोपाल संभाग के अंतर्गत आते हैं। और ये है रायसेन ज़िले का पूरा मानचित्र, पूर्व से लेकर पश्चिम तक और उत्तर से लेकर दक्षिण तक। ये रायसेन में जितनी तहसीलें आती हैं वो मैंने मानचित्र के अनुसार इसमें समझाने की पूरी कोशिश की है। रायसेन स्वयं तहसील है, ठीक है ना। बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, उदयपुर, बरेली, बाड़ी और गोहरगंज, तो ये सब तहसीलें हैं। आने वाली वीडियो में मैं इन तहसीलों के ऊपर पूरी जानकारी आपको दूंगा, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहिए और इसको पूरा देखें। एग्ज़ाम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं इससे। आगे चलते हैं। रायसेन ज़िले का क्षेत्रफल कितना है, 8,466 वर्ग किलोमीटर में यह फैला हुआ है, और इसमें ये सारी तहसीलें हैं जो मैं आपको बता चुका हूँ। रायसेन ज़िले का लिंगानुपात कितना है, 2011 की जनगणना के अनुसार रायसेन ज़िले का लिंगानुपात है 901 महिलाएँ 1,000 पुरुष पर 901 महिलाओं का लिंगानुपात है, और ये 2011 की जनगणना के अनुसार है। हर आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं एग्ज़ाम्स में, चाहे वो लिंगानुपात हो, साक्षरता का अनुपात हो, या फिर जनघनत्व जनसंख्या की दृष्टि से। तो ये सारे आंकड़े 2011 की जनगणना के अनुसार ही पूछे जाते हैं, और ये जनगणना, अब अगली जनगणना जो होगी वो 2021 में होगी। ये जनगणना, हर जनगणना 10 साल के अंतराल में होती है, तो 2011 में हो चुकी है और अगली जनगणना 2021 में होगी, तो 2021 के बाद में जितने भी आंकड़े हैं जो कि एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं वो पूरे बदल जाएंगे। तो ये जो जनगणना है ये 2021 में की जाएगी, तो इससे पहले जो जनगणना की गई है उसी के आधारित क्वेश्चंस अभी आपके सामने आएंगे, तो उनको आपको याद रखना है। जनसंख्या का जनघनत्व रायसेन ज़िले का है 157 प्रति वर्ग किलोमीटर। एक वर्ग किलोमीटर में, प्रति वर्ग किलोमीटर में जनसंख्या 157 है रायसेन ज़िले की।
रायसेन जिले की साक्षरता 2011 की जनगणना के अनुसार वो है 73%, 73% लिटरेसी रेट है रायसेन जिले का। रायसेन जिले की तहसीलें देखते हैं, उदय रायसेन, गोहरगंज, बेगमगंज, गैरतगंज, सिलवानी, बरेली, उदयपुर, बाड़ी और सुल्तानपुर, ये सारी रायसेन जिले की तहसीलें हैं। रायसेन जिले को के विकासखंड कितने हैं? सांची, सांची विकासखंड है पहला, दूसरा है बेगमगंज, तीसरा है गैरतगंज, चौथा सिलवानी, पांचवा बरेली, छठवा उदयपुर और सातवा है अब्दुल्लागंज। ये सात विकासखंडों में इनको बांटा गया है रायसेन ज़िले को। आइए अब देखते हैं एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं, महत्वपूर्ण तथ्य मैंने इसमें कवर किए हैं। पहला जो पॉइंट लिया है रायसेन ज़िले का वो है, इतिहास के पन्नों में दर्ज रायसेन ज़िला, इसका जो नाम है मध्यकाल में, ठीक है ना, रायसेन ज़िले के नाम से ये जो ज़िला है ये मध्यकाल में सिलहरी सिलहरी के राजपूत सरदार हैं, उनका ये मजबूत गढ़ था। एग्ज़ाम्स में भी पूछ सकते हैं, तो इतिहास के पन्नों में ये दर्ज है, मध्यकाल में सिलहरी के राजपूत सरदार, ठीक है ना, कौन से सिलहरी के राजपूत सरदारों का ये बहुत बहुत ही ज़्यादा मजबूत गढ़ था मध्यकाल में। मध्यकाल में ये सिलहरी के राजपूतों का बहुत ही ज़्यादा मजबूत गढ़ रहा है रायसेन ज़िला। अगला जो पॉइंट लिया है, जो रायसेन का दुर्ग है, रायसेन में एक दुर्ग है बहुत ही ऊंचे पहाड़ पर स्थित है रायसेन का दुर्ग, इस दुर्ग को राजा, वहाँ के राजा थे राज बसंत, उनके द्वारा इनको बनवाया गया था। और ये दुर्ग अपनी ही विशालता, मैं जैसे बता चुका हूँ बहुत ही ज़्यादा विशाल और बहुत ही ज़्यादा ऊंचे पहाड़ पर ये स्थित है, अपनी विशालता और अभेद्यता के कारण ये इसको जाना जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा अभेद्य था, इस पर जितने भी आक्रमणकारियों ने इसमें आक्रमण किया बहुत ही ज़्यादा असंभव था इस दुर्ग को जीतना, तो इस कारण से इसकी विशालता और इसकी अभेद्यता के कारण ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध है और ये जाना जाता है उसी कारण। और इसको किसने बनवाया था? इस राजा राज बसंत द्वारा इसको बनवाया गया था। अगला जो पॉइंट है, 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने रायसेन की इस दुर्ग पर, जो रायसेन का दुर्ग है राजा बसंत जी ने इनको बनवाया था, राजा बसंत द्वारा इसको बनवाया गया था, उस दुर्ग पर आक्रमण किया था। कब किया था? 1543 ईस्वी में शेरशाह सूरी ने इस पर आक्रमण किया था। जितने भी मध्य प्रदेश के जो किले हैं और दुर्ग हैं उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है, उस वीडियो को भी आप देख सकते हैं और उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा, उसमें पूरे दुर्ग और किले मैंने विस्तारपूर्वक उनकी जानकारी दी है। अगला पॉइंट है रायसेन ज़िले का जो मंडीदीप है, रायसेन ज़िले में मंडीदीप एक औद्योगिक क्षेत्र है ये बहुत ही बड़ा, ठीक है ना, और वहीं पर देश और प्रदेश का पहला ऑप्टिकल फाइबर फैक्ट्री स्थापित की गई है। ऑप्टिकल फाइबर केबल जो होती हैं, जो कि दूर संचार में जिसका उपयोग किया जाता है, टेलीफोन्स और इंटरनेट केबल्स की जो लाइन डलती है उसमें ऑप्टिकल फाइबर मटेरियल से ही उसको बनाया जाता है। और इसकी जो कारखाना है, इसकी जो फैक्ट्री है, वो प्रदेश की और देश की पहली फैक्ट्री रायसेन ज़िले के जो मंडीदीप है वहाँ पर इसको स्थापित किया गया है। एग्ज़ाम्स में इसका क्वेश्चन बन जाता है, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अगला पॉइंट है बेतवा नदी का उद्गम, बेतवा नदी का उद्गम रायसेन ज़िले के कुमरा गांव से हुआ है, इंपॉर्टेंट है ये, नदियों के उद्गम के बारे में क्वेश्चंस बन जाते हैं तो आप बिल्कुल इनको याद कर लीजिएगा। बेतवा नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रायसेन ज़िले की कुमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है और इस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा भी कहते हैं, ठीक है ना, मध्य प्रदेश की गंगा के नाम से भी इसको पुकारा जाता है। एग्जाम्स में पूछा जाता है इसको कि मध्य प्रदेश की गंगा किस नदी को कहते हैं, तो वह है बेतवा नदी। और इस नदी का उद्गम कहाँ से हुआ है? रायसेन के कोमरा गांव से इसका उद्गम हुआ है। अगला पॉइंट है रायसेन ज़िले का पाटनी गांव, पाटनी गांव में मृगेंद्रनाथ की गुफा स्थित है, मृगेंद्रनाथ की गुफा, गुफाओं पर भी मैंने वीडियो बनाया है दोस्तों, और उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के नीचे मिल जाएगा। मध्य प्रदेश की जितनी भी गुफाएं हैं, इंपॉर्टेंट गुफाएं जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सभी गुफाओं को मैंने इस मध्य प्रदेश के जो वीडियो है उसमें मैंने कवर किया है, उसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे मिलेगा, आप उसको भी पूरी जाके देख सकते हैं। और इसमें जो है रायसेन की जो रायसेन में स्थित है मृगेंद्रनाथ की गुफा, ये कहाँ पर है? पाटनी गाँव में स्थित है। अगला पॉइंट है तदोनी नदी, तदोनी नदी का भी उद्गम रायसेन ज़िले में हुआ है और वो कहाँ से हुआ है? बरेली तहसील, जो बरेली तहसील है रायसेन ज़िले की, वहाँ से तदोनी नदी का उद्गम हुआ है। अगला जो पॉइंट लिया है मैंने वो लिया है रायसेन ज़िले में स्थित जो सांची के स्तूप हैं, मैं बता चुका हूँ सांची के स्तूप और भीम बेटी का, ये दोनों वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किए गए हैं इनको, और ये विश्व धरोहर की सूची में शामिल हैं।
इसलिए ये एग्ज़ाम्स की दृष्टि से ही बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो रायसेन ज़िले की जो सांची के स्तूप हैं ये अब्दुल्लागंज में स्थित हैं, और भीम बेटिका, ठीक है ना, सांची का स्तूप और अब्दुल्लागंज में स्थित भीम बेटिका। ये अब्दुल्लागंज में स्थित कौन सी है, अब्दुल्लागंज में है भीम बेटिका, ठीक है ना। अब्दुल्लागंज जो विकासखंड है वहाँ पर भीम बेटिका है, और सांची में कौन से हैं, ये स्तूप हैं। तो इन दोनों को कहाँ पर यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया। भीम बेटिका को कब शामिल किया गया था, भीम बेटिका को शामिल किया गया था 6 जुलाई 2003 को विश्व धरोहर की जो सूची है उसमें इसको शामिल किया गया था, और सांची के स्तूपों को 1989 में इसको शामिल किया गया। इम्पॉर्टेंट है ये, एग्ज़ाम्स में पूछा जा सकता है इसको, इसलिए इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा। अब्दुल्लागंज में जो भीम बेटिका है इसको शामिल किया गया था 2003 में 6 जुलाई में, और सांची के स्तूप को 1989 में यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में इसको शामिल किया गया। और दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्लेस हैं पर्यटन स्थल से भी, काफ़ी लोग यहाँ पर घूमने जाते हैं। अगला पॉइंट, सांची की स्तूपों का जो निर्माण है वो सम्राट अशोक महान थे उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, और वो कब करवाया था, जब इन्होंने बुद्ध धर्म की दीक्षा ली थी उस समय इसका निर्माण करवाया था, और वो भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व, ठीक है ना, 3री शताब्दी ईसा पूर्व इन सभी स्तूपों का निर्माण करवाया था सम्राट अशोक ने। अगला पॉइंट, सांची के स्तूप में बड़े बिहार के अंदर में जो बुद्ध भगवान बुद्ध हैं उनकी जो शिष्य थे, ठीक है ना, उन वो शिष्य कौन कौन थे, सारिपुत्र और कौन, महामोदगल्यान, ठीक है ना, महामोदगल्यान और सारिपुत्र, इनकी अस्थि के अवशेष सुरक्षित हैं ना। इन दोनों पे क्वेश्चन बन जाते हैं कि सांची के स्तूप में अस्थि जो सुरक्षित की गई हैं, वो अस्थि के अवशेष वो कौन से दो शिष्य हैं, तो वो हैं सारिपुत्र और महामोदगल्यान। तो इन दोनों के जो अस्थि हैं वो वहाँ पे सुरक्षित करके रखे गए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप बिल्कुल याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। और सांची ही एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ पर बौद्धकालीन शिल्पकला के नमूने आपको मिल सकते हैं, ठीक है ना। जो बौद्ध काल है उस समय के यहाँ पर शिल्पकला जो उस समय पनपी थी उन सभी के यहाँ पर नमूने आपको बिल्कुल सुरक्षित और अच्छे तरीके से आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। और दोनों ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से, सारिपुत्र इसको आप याद कर लें, और महामोदगल्यान, ये दोनों पे क्वेश्चंस बनते हैं, आप बिल्कुल, मैं आईएमपी लगा देता हूँ इसको, ये दोनों महामोदगल्यान और सारिपुत्र इस पे क्वेश्चन बन सकते हैं। इन दोनों के ही अवशेष अस्थियाँ बड़े बिहार नाम का जो स्तूप है वहाँ पर इनकी जो अस्थियाँ हैं वो सुरक्षित करके रखी गई हैं। अगला जो पॉइंट है, रायसेन ज़िले का भोजपुर बहुत ही इंपॉर्टेंट प्लेस है, काफ़ी पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये रायसेन ज़िले के भोजपुर में परमार कालीन जो वंश थे उन्होंने यहाँ पर विशाल शिवलिंग का मंदिर बनवाया था, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा विशाल शिवलिंग है यहाँ पर, जो कि एशिया का सबसे बड़ा शिवलिंग भी इसको मानते हैं, ठीक है ना। इसकी स्थापना किसने करवाई थी, परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था, ठीक है। और ये मंदिर, इस मंदिर को भोजपुर का शिव मंदिर के नाम से भी इसको जाना जाता है, और पूर्व में इसको सोमनाथ का मंदिर भी कहते थे, ठीक है ना। पूर्व में इसे जब इतिहास काल में इसको सोमनाथ का मंदिर भी कहा जाता था, ठीक है। तो इसको अभी हाल में इसको भोजपुर का शिव मंदिर के नाम से जाना जाता है, और इसको परमार वंश के जो राजा थे, राजा भोज, उन्होंने इसका निर्माण करवाया था। और राजा भोज के नाम पर ही जो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, इसका नाम पहले भोजपाल था और अब जाके इसका नाम भोपाल हो गया है। और इसी के नाम पर यहाँ पर भोपाल में जो तालाब है राजा भोज के नाम पर ही है, ठीक है ना। भोज तालाब जो सबसे बड़ा तालाब है, लेक सिटी भोपाल नाम से जो मशहूर है, वो जो तालाब है वो राजा भोज के नाम पर ही रखा गया है। अगला पॉइंट है भीम बेटिका जो यहाँ का पर्यटन स्थल है, इसके बारे में बता चुका हूँ, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको शामिल किया गया है, ठीक है ना। जैसे कि मैं लिखा हुआ है, रायसेन के अब्दुल्लागंज में स्थित भीम बेटिका यूनेस्को की विश्व धरोहर में शामिल है। और भीम बेटिका को कब शामिल किया गया था, फिर से बता रहा हूँ मैं आपको, 6 जुलाई 2003 को इसको यूनेस्को की विश्व धरोहर की सूची में शामिल किया गया था। और ये अपने शैलचित्र हैं बहुत सारे, जो कि इतिहास काल के हैं, बहुत ही हजारों वर्ष साल पुराने यहाँ पर शैलचित्र प्राप्त हुए हैं, इस कारण से इसको जाना जाता है। और यहाँ पर 700 से अधिक यहाँ पर शैलचित्र पाए गए हैं, जिनमें कि आप 500 से
ज़्यादा शैलचित्र देखने के योग्य, यानी कि जो 700 से ज़्यादा शैलचित्र हैं वो वहाँ पे प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो देखने लायक हैं वो 500 से ज़्यादा शैलचित्र, यानी कि बाकी के जो शैलचित्र हैं बहुत ज़्यादा धुंधले हो गए हैं, क्योंकि हजारों वर्ष पुराने वो शैलचित्र हैं। इस कारण से वो धीमे धीमे होकर वो जिस स्याही से लिखे गए से उनको बनाया गया था वो धीमे धीमे करके हजारों वर्ष पुराने होने के कारण वो उनकी जो छाप है वो धीमे धीमे कम हो गई है। तो उसमें से जो 500 से अधिक जो शैलचित्र हैं वो अभी भी सुरक्षित हैं और उनको सुरक्षित रखा गया है, जो देखे जा सकते हैं, यानी कि देखने योग्य हैं। पूर्व पाषाण काल से लेके मध्य ऐतिहासिक काल के ये शैलचित्र हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर मानव गतिविधियों का ये केंद्र रहा, यानी कि यहाँ पे मानव उस समय के जो मानव थे वो यहाँ पर रहते थे और उनकी पूरी जो शैलचित्र हैं वहाँ पे संरक्षित हैं। एग्ज़ाम्स में पूछ लिया जाता है, इसलिए आप इसको बिल्कुल याद रखिएगा। ये कब यूनेस्को में शामिल हुई? 6 जुलाई 2003 को ये क्वेश्चन बन सकता है इसमें। और ये कहाँ पर स्थित है? रायसेन जिले की अब्दुल्लागंज जो विकासखंड है वहाँ पर ये स्थित है। रायसेन जिले के प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं? रायसेन का दुर्ग, जिसके बारे में आपको बता चुका हूँ, रायसेन का दुर्ग जो कि राजा वसंत विहार राज बसंत जी ने बनवाया था इसको, और ये बहुत ही ज़्यादा अभेद्य दुर्ग है, ठीक है, इसके बारे में आपको जानकारी दे चुका हूँ, ठीक है। और सांची का स्तूप जैसे कि बता चुका हूँ, 1989 में इसको वर्ल्ड हेरिटेज यूनेस्को में शामिल किया गया है। भीमबेटिका के बारे में आपको जानकारी दी मैंने, 6 जुलाई 2003 को इसको यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया है। और पुरातात्विक संग्रहालय जो कि सांची में स्थित है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये भी एग्ज़ाम से पूछ लिया जा सकता है। और भोजपुर का जो सती स्तंभ है, जो कि भोजपुर का मंदिर है वहीं पर है, ये भी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसकी छत्री, ये भी जो भोजपुर का मंदिर है, शिवलिंग है यहाँ पर, वहाँ पर ये स्थित है। बोधविहार कहाँ पर है? ये बोधविहार, ये भी वहीं पर स्थित है सांची के स्तूप में। तो ये सारे सांची के इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं जो कि एग्ज़ाम्स की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम्स में पूछ लिए जाते हैं इसको। अगले पॉइंट है, रायसेन जिले के जो धार्मिक स्थल हैं कौन कौन से? भोजपुर का शिव मंदिर जो मैं बता चुका हूँ आपको, दरगाह शरीफ रायसेन ज़िले में है, रायसेन ज़िले के में ये पड़ती है दरगाह शरीफ, बहुत ही ज़्यादा मुस्लिम समुदाय का बहुत ही इम्पोर्टेंट प्लेस है ये। मुस्लिम लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने जाते हैं। और गुप्तकालीन सांची के स्तूप, ये धार्मिक स्थल हैं जो कि रायसेन ज़िले में स्थित हैं। एग्ज़ाम्स में इसमें क्वेश्चंस बनते हैं, आप बिल्कुल इनको रट लें। जितने भी मैंने रायसेन ज़िले के पॉइंट बताए हैं सभी मैंने इसमें कवर किए हैं, आप बिल्कुल इनको रट लें, याद कर लें। और मध्य प्रदेश के सारे ज़िले में बिंदुवार तरीके से कवर करते आया हूँ और सभी की वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे मेरे इस वीडियो के नीचे, सभी के लिंक आपको मिलेंगे, आप सभी को देख सकते हैं। तो ये था रायसेन ज़िला, जो कि मैंने आपको पूरा स्टैटिक जीके इसमें कवर किया है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आपको पसंद आया है तो इसका आप लाइक बटन ज़रूर दबाएं, और जिससे कि मेरे वीडियोस के लाइक बढ़ें। और इसके अलावा भी अगर मैंने स्टैटिक जीके अगर कुछ भूल गया हूँ, कवर नहीं किया है, तो आप कमेंट के माध्यम से वो क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उनके जवाब अवश्य दूंगा। और इस मेरे वीडियो को आपको अगर पसंद करते हैं तो इसको आप अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, फेसबुक का ग्रुप हो या व्हाट्सएप का ग्रुप, सभी में आप इसको शेयर कर सकते हैं, और अन्य ग्रुप भी हो आपके पास में उसमें भी आप इसको शेयर करें, जिससे कि अधिक से अधिक लोग इसको देख पाएँ और मध्य प्रदेश के इस स्टैटिक जीके के बारे में वो जानकारी ले पाएँ। और आने वाले वीडियोस को आप देखना चाहते हैं मेरे, तो आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों के ऊपर जो जीके रहेगा उनके वीडियो में निरंतर लाता रहूँगा। और इसी तरीके से आप मेरे माध्यम से मध्य प्रदेश और अन्य राज्यों का सामान्य जीके आप समझ पाएंगे और देख पाएंगे, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आपको सारे नोटिफिकेशन मिलेंगे। ये बेल आइकन इसीलिए है कि आपको इससे नोटिफिकेशन मिलते रहें समय पर, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आपके पास में नोटिफिकेशन उसका मिल जाएगा और आप उन सभी वीडियोस को देख पाएंगे। तो दोस्तों, मैं अगला वीडियो बहुत ही जल्दी लेके आऊँगा इसके, और मेरे इस चैनल के साथ आप बने रहें। और इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।